ओके सुनाओ, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं शामी कबाब, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, हमें चाहिए 1/2 kg चने की दाल चाहिए, 1/2 kg। इसके अलावा 1.5 जो है चिकन ब्रेस्ट चाहिए, 1 अनियन चाहिए, मीडियम आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसके अलावा 7 to 8 जो है हमने चिलीज़ ली हैं, 1/2 टेबल स्पून क्रश्ड चिलीज़ ली हैं, 1 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ी सी साबुत गरम मसाले की चीज़ें ली हैं, ये लौंग ली है मैंने, दारचीनी ली है और एक कड़ी पत्ता लिया है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने ब्लैक ज़ीरा डाला है। इसके बाद हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना अनियन जो है इसको कट कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे, या आप बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसे कुक करना है प्रेशर कुकर में, तो वो खुद ही मैश हो जाएगा, उसमें ब्लेंड हो जाएगा सारा। तो अब हम इसे इसको मैं काटती हूँ और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए जी, अब इसमें हम मैंने अपना जो अनियन था वो मैंने इसमें स्लाइस करके डाल दिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अपना चिकन 1.5 टेबल। इसके बाद हम ये जो दाल है हमारी जो मैंने सोक करके रखी थी वो उसको मैं डाल दूंगी। पानी के साथ ही आप डाल दें, बेशक कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें सारी ये जो स्पाइसेस मैंने रखी थी सबको हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आपने पानी इतना रखना है कि इसको हम सारा ड्राई हो जाइए और हमारे पास ज़्यादा पानी इसमें ना बचे, ताकि कबाब जो है हमारे बिल्कुल ड्राई ड्राई बनेंगे तो वो अच्छे बनेंगे। बस उसके बाद हमने अपने कुकर को बंद कर देना और इसे कुक करना है। जी अब हमारे कुकर को खोलने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मैंने इसको रखा था और अब मैं इसे खोल रही हूँ और अब हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारी दाल जो है वो सही से कुक हुई है या नहीं। ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि हमारी दाल जो है बिल्कुल ठीक कुक हो गई है। इसके बाद आप कोई भी मैशर ले लेंगे, हैंड ब्लेंडर ले लेंगे, या फिर आप ग्राइंडर भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मली इसी तरह कर लेती हूँ क्योंकि के ईज़िली इसी तरह से मैश हो जाता है और बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह एक ब्लेंडर से होता है। लेकिन ब्लेंडर में इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि उसमें आपको ये जो रेशे बन जाते हैं ना चिकन के, वो नहीं बनेंगे उसमें, वो बिल्कुल कम्प्लीटली मैश हो जाएगा, तो उस तरह से कबाब इतने मज़े के नहीं लगते। इस तरह से जो टेस्ट आता है वो उसकी तो बात ही अलग है। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, आप हसबी ज़रूरत ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे सही से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें चिलीज़ डालूंगी, रेड चिलीज़, और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डालूंगी। उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसकी शेप्स बना के इसको फ्रीज कर देंगे। चलिए जी, जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा और मैश हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाल देंगे धनिया, सब्ज़ धनिया डाल देंगे और उसके बाद हम इसको सही से मिक्स करेंगे ताकि सारा पूरे मिक्सचर में मिक्स हो जाए। चलिए जी, अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी शेप्स बनाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप्स आपको बनानी है वो आप बना सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30 कबाब्स बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन द शेप साइज।
चलें जी, अब हमारे कबाब्स रेडी हो गए हैं। 25 to 30 कबाब बन जाएंगे। इसके बाद मैं आपको ये फ्राई करके दिखा। एक मैंने इंटर लिया, उसके अंदर 2 to 3 टेबल स्पून मैंने मिल्क डाला है। उसके बाद मैं इससे मिक्स करूँगी। थोड़ा सा आप सॉल्ट लेंगे हसब ज़रूरत, क्योंकि कबाब में सॉल्ट है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसको मिक्स करके हम इसमें अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। यह आप देख सकते हैं कबाब कितने मज़े के फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद हम उसकी साइड चेंज करेंगे और उसको देर कुक करेंगे और ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, या मुझे चिली गार्लिक सॉस वैसे पसंद है इसलिए मैं उसके साथ खाती हूँ, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। Thank you so much for watching. Do try it out and subscribe to my channel. Thank you.